हमारे बीच में आज अभि शर्मा है। अभि शर्मा राष्ट्रीय 2022 के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेता है। बस 13 साल की उम्र में, उन्होंने 12 साल की उम्र में बालमुखी रामायण नामक पुस्तक लिखी है। ये लेखक है, मोटिवेशनल स्पीकर है और बहुत अच्छे प्रोग्रामर है और बहुत आइंस्टीन से भी ज्यादा इनका आईक्यू है। विवेक बिंद्रा प्रभु का जो बड़ा भारत शो है उसमें प्रभु के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था प्रभु जी का। उसके बाद प्रभु जी अमोघ लीला प्रभु के डाई हार्ड फैन है और प्रतिदिन भक्तों की कृपा से प्रतिदिन प्रभु जी हरे कृष्णा महामंत्र की माला करते हैं, जप करते हैं और गीता भागवत का अपने लेक्चरों के माध्यम से, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जिसमें 20,000 से ज्यादा इनके सब्सक्राइबर्स है उसमें प्रचार करते हैं। तो आज हमारे राधापाद प्रभु है पानीहट्टी के, हमारे प्रेसिडेंट टेम्पल प्रेसिडेंट, तो प्रभु और चैतन्य चरितामृत का सेट दिया जाए तो इसे आज हम महाराज जी से निवेदन किया था और अभी अभी कुछ बताएंगे अभी तो। महाराज ये मेरी बाल्मीकि रामायण है, ये प्रभु श्री राम की मैंने इसमें पूरी जो रामायण है उसको 250 छंदों में उसका अब कोवि भी है जी जी प्रभु जी एक्चुअली इसका मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जब मैंने रामायण टीवी पर देखी मुझे उससे इतना इंस्पिरेशन मिला कि मुझे लगा मुझे कुछ करना चाहिए, मतलब रामायण को किसी तरह बच्चों तक पहुंचाना चाहिए। और एक दिन मुझे ऐसी अनुभूति हुई कि माता सरस्वती स्वयं मेरे स्वप्न में आई और जो पहला छंद था वो मुझे प्राप्त हुआ, तो फिर उसे मूल बनाकर मैंने पूरी जो मैं तो ये मानता हूँ कि बस आप की कृपा। आप दो चार पक्की पर के सुनाओ कोई जगह से। प्रभु जी मैं स्टार्टिंग के जो मैंने इसे 10 अध्यायों में बांटा है तो स्टार्टिंग के कुछ छंद मैं सुनाऊंगा। नमन करूं भगवान गणेश हरो हमारे सारे कलेश और वीणा वादनी को प्रणाम दे दो माँ विद्या वरदान। शुरू करें कथा रामायण की परम सुखदायिनी कथा श्री हरि की कथा है यह अवधपुरी की पावन धरती इक्ष्वाकु वंश की। राज किए जहां दशरथ धर्मात्मा जिनके घर जन्मे परमात्मा देवन आन किए विनती जब हरि जन्मे माँ धरती पर तब। दशरथ के घर उत्सव आया अवधपुरी में उल्लास सा छाया अवध चार दुलारे राम लखन भरत शत्रुघ्न प्यारे। बहुत अच्छा, ये तो सुनते जाओ प्रभु जी। बस अंगद जम्बु बनार हनुमान संभाले सेना की कमान फिर हाथ लगी पराजय प्राण देने का किया निश्चय तभी पक्षीराज संतपी आए और कुछ ऐसे वचन सुनाए। कितना मधुर है तो यह आधा घंटा से पूरा रामायण हो जाएगा, 15-20 मिनट रह जाएगा। वेरी गुड, मेरा लक्ष्य यही था कि जो प्रभु श्री राम की जो ग्लोरीज हैं सब तक पहुंचे और लोग जो हमारे ग्रंथ हैं चाहे कुछ लोग ऐसा होते हैं कि मुझे बोलता हूँ हमारे ग्रंथ इसलिए नहीं पढ़ पाते कि वो बहुत ज्यादा बड़े हैं, हम इनका कैसे पाठ करें। तो मुझे लगा कि रामायण का एक संक्षिप्त रूप ये नहीं है, पहले राम जन्म, सीता मिलन, वनगमन, सीता हरण, सुग्रीव मिलन, लंका दहन, रावण मरण, अवध आगमन, लवकुश जन्म, वैकुंठ प्रस्थान, 10 अध्याय में बता है और अच्छा है 108 पेज है। प्रभु जी हमें भी नहीं पता चला, ये अलग ही मतलब जब प्रिंट होकर आई तभी हमने भी रियलाइज किया कि एग्जैक्टली 108 पेजेस की ही हुई पूरी रामायण। वेरी गुड। अब प्रभु जी इसने लॉकडाउन में दो बार गीता में डिप्लोमा भी कर लिया भगवद गीता में श्रीमद में और मुंबई यूनिवर्सिटी से और आप उनके थ्रू अभी इसका डेली कॉलेज यहां का सबसे बड़ा कॉलेज मदर्स में जाता है उसमें इनका 14 को इसको उनको बुलाया सेशन के लिए। वेरी गुड, ये स्पेशली ब्लेस्ड बाय श्रील प्रभुपाद। हाँ ये केवल इंद्र का गर्व नहीं है, पूरा भारत का गर्व, पूरा इस्कॉन का गर्व है। प्रभुपाद की कृपा नहीं होती, प्रभु गौरनताई की कृपा नहीं होती तो मैं कहीं जाके राधा कृष्ण जी के अगर मुझ पे अकारण जो उनकी कृपा होती है वो अगर मुझ पे नहीं होती तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। ये बात सही है।
सब आशीर्वाद रखे महाराज। हम तो प्रभुपाद का आशीर्वाद तो मिला है, वहाँ आएंगे और पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करेंगे और वह हमारे श्रील प्रभुपाद ही हैं। और कहीं ना कहीं अगर वो नहीं होते तो आज जब हम देखते हैं और इतना गर्व महसूस करते हैं कि पूरे विश्व में कहीं ना कहीं कृष्ण भावनामृत का लगातार प्रचार हो रहा है, एक अंटार्कटिका को छोड़ के बाकी जो सारे कॉन्टिनेंट्स हैं सब में जन्माष्टमी का फेस्टिवल मनाया जा रहा है, तो सब में जन्माष्टमी का फेस्टिवल मनाया जा रहा है, तो वहां पे बहुत ज्यादा वो होता है कि यह श्रील प्रभुपाद की ही कृपा से हो रहा है, क्योंकि बाकी जो हमारे महान आचार्य हुए उन सभी ने भारत में पूरी प्रीचिंग की, बट जो श्रील प्रभुपाद थे वह इसे कृष्ण भावनामृत के ज्ञान को, श्रीमद् भागवत के ज्ञान को वह पूरे विश्व में ले गए। तो कहीं ना कहीं मैं तो ये मानता हूँ कि वह सीधे गोलोक धाम से हम सभी के तारा हार बन के आए थे, क्योंकि उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं हम कृष्ण के निकट आ पाए हैं। और जो अपना खुद का जो रियलाइजेशन है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और जीव का जो परम लक्ष्य है वह कृष्ण की सेवा है, तो ये जो आत्मज्ञान है ये कहीं ना कहीं हमको श्रील प्रभुपाद उनकी बुक्स की वजह से मिल पाया है। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि उन्हीं की जो कृपा है उसी से हम सभी लोग आज वो कर पा रहे हैं। तो एक बार मैं आप सभी से चाहूंगा मेरे साथ, चलिए हम लोग श्रील प्रभुपाद की प्रणति कर लेते हैं। नमः विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे शिल्पोपात की जय, अभिप्रभु की जय, अभी महान कवि आप सभी लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप सभी का भगवान का मगर मुझ पर आशीर्वाद बना रहेगा तो मैं ये कार्य निरंतर कर पाऊंगा। और वो भी आगे आने का इस कनकर रो भी हाँ रवि तो शुरू कोई पुस्तक कर लो खोल के खोलोगे लेगा कैसे लेके जाएंगे फिर महाराज। पर मैंने आपके बारे में भी पढ़ा, आपने मतलब कैसे मेडिसिन करके उसके बाद वो तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता, बट सच में आपकी जो ग्लोरी है वो पढ़ के मुझे इतना बस आपकी और श्रील प्रभुपाद की अगर कृपा रहेगी तो मैं देखो मेरा अभी उम्र 56 है, क्या किया तुम आज 13 साल उम्र में क्या क्या आपकी आप जिसमें है आप तो मैं मानता हूँ कि जितने भी आप जैसे महान आचार्य वो सब गोलोक तुम्हारे जब 56 होगा तब क्या करोगे दुनिया देखेगा नहीं प्रभु जी, बट आप जैसे जितने भी गुरुजन होते हैं जितने भी आचार्य होते हैं वो सीधे गोलोक धाम से हम सभी के तारण करने के लिए आते हैं, हम सभी को कहीं ना कहीं कृष्ण तक ले जाने के लिए आते हैं। सो यू आर एन एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑल द आचार्यस एंड श्री कृष्ण, सो थाउजेंड्स ऑफ ग्लोरीज टू यू। चलो प्रभुपाद की जय। एक पुस्तक पूरा कार्टून देगा कौन सा एक पुस्तक फिर पूरा नहीं फोटो कैसे हो एक पुस्तक ही कार्टून वो एक काम करो ना वो एक पूरे दबा लो उसको हाँ कैसे होता है ओके हरि वाह हीवो थैंक भागवत का ए बी आई से है ए बी आई से ए बी आई अभी का मतलब भी सूर्य ही होता है। अच्छा ये ना जी
बार प्रोग्राम करो इनका कब कब इसको कब छुट्टी है कुछ भी कब अपना भावना पर कुछ भी लोगों तक पहुंचा सकूं तो ना पढ़ाई भी जरूरी क्योंकि डिग्री रहना जरूरी है कि पैसा तो करते ही रहोगे लेकिन एकेडमिक एजुकेशन एक साथ में रहना जरूरी है घर में कर लेता है वो पूरा मतलब अगर छुट्टी भी लेता है तो घर पे कर लेगा वो ऐसा करता है अब देखो जो मंदिर में फेस्टिवल आता आदमी है तो उसी टाइम मैं कश्मीर हां उज्जैन में हमारे ऑडिटोरियम है ऑडिटोरियम में दो तीन दिन का एक प्रोग्राम अच्छा होगा शुक्र शनि रवि तीन दिन का आएगा तो अच्छा होगा प्रभु जी मैंने उज्जैन का भी अभी तक एक ही बार टेम्पल विजिट किया है बट बहुत ही वहाँ पे एक्चुअली सारे आप कह सकते हैं श्री रामचंद्र जी को छोड़ के वहाँ पे सारे जितने भी डीटी हाँ। अमुक लीला पू आ रहा है फेब्रुवरी में उसी दिन और साथ में आ जाओ एक दिन के लिए जब अमुक लीला पू आ रहा है भोपाल साथ में आ जाओ एक दिन के लिए लेकिन तुम्हारे लिए प्रोग्राम अलग करके तीन दिन रखना है लेकिन अमुरी डेट डेट कौन सा क्या हाँ फेब्रुवरी बताएगा तुम जब भी होगा महाराज आप बस आदेश कीजिएगा